अभी मैंने आपको इस चैप्टर को रीड करवाया था, ये मैं आपका थर्ड पार्ट बना रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल सेंड कर दिया था, आज मैं आपको दो पार्ट सेंड करूंगी। व्हेन द मोबाइल फोन गेट्स अ सिग्नल, आपका जो मोबाइल फोन में क्या होता है, सिग्नल भी होता है, क्योंकि उसको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फोन को सिग्नल की जरूरत पड़ती है, वो आपके फोन में भी शो होता है। इट डिस्प्लेस द नेम ऑफ द कॉलर ऑन द स्क्रीन, और जब आपके पास किसी का कॉल आता है तो उसका नाम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं हमें कहाँ पे, आपके फोन के स्क्रीन पे। इट कैन सर्च द नेम्स एंड नंबर्स, और आप क्या कर सकते हो अपने फोन में किसी का नेम और नंबर भी सर्च कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी अटैच्ड टू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रिंटर, और आप क्या कर सकते हो अपने फोन को अटैच कर सकते हो कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रिंटर में। जैसे कि आपके फोन में कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है, डाटा मींस कोई पिक्चर है, कोई फिल्म है, कोई सॉन्ग है, तो अगर आप उसको अपने कंप्यूटर से अटैच कर लोगे तो क्या होगा, आपके फोन का जितना भी डाटा है, जितना भी कुछ पिक्चर है, कुछ भी है, वो आपको कहाँ शो करने लगेगा, आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। यहाँ प्रिंटर की बात ये की, मान लीजिए कि आपके फोन में कोई पिक्चर है जिसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो अगर आप उसको प्रिंट आउट में मतलब कंप्यूटर में, क्योंकि जो प्रिंटर होता है वो आपके कंप्यूटर से अटैच होता है, क्या होता है, कंप्यूटर से अटैच होता है, इसे यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंटर की बात की गई है। तो अगर जब आप उसको अपने फोन को कंप्यूटर से अटैच करोगे तो वो ऑलरेडी आपके किससे अटैच हो जाएगा, प्रिंटर से। वी कैन लिसन टू सॉन्ग्स एंड ऑल्सो व्यू मूवीज पिक्चर, और आप लोग क्या कर सकते हो अपने फोन पे गाने सुन सकते हो और व्यू कर सकते हो, देख सकते हो मूवीज, ठीक है, मूवीज पिक्चर्स देख सकते हो। वी कैन प्ले गेम ऑन इट, और आप अपने कंप्यूटर पे क्या कर सकते हो, गेम भी खेल सकते हो। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं कि क्या समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले इनपुट, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव टू द कंप्यूटर, जो इनपुट होता है हमें क्या करना पड़ता है कंप्यूटर को, इनपुट मतलब हम जब अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो हमें कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, डाटा गिवन करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको इनपुट बताया था कि अगर हमें कंप्यूटर से अपना काम करवाना है तो उसको इनपुट देना ही होगा, इंस्ट्रक्शन देना ही होगा, तभी जाके वो क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग, द एक्टिविटीज अ कंप्यूटर परफॉर्म्स टू ऑब्टेन रिजल्ट, क्या होता है, जब हम कोई काम, जैसे कि जब आपका कंप्यूटर काम करता है तो उसे प्रोसेसिंग कहते हैं, और उसके बाद हमें क्या ऑब्टेन होता है, क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। आउटपुट, आउटपुट मतलब रिजल्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, जब आपको उसका फाइनल आंसर मिल जाता है तो क्या कहलाता है, आपका रिजल्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं आउटपुट, क्या कहते हैं, आउटपुट। अब है आपका कंप्यूटराइज मशीन्स, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, कंप्यूटराइज मतलब जो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब जिसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके चलाया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। द मशीन्स वर्किंग आर कंट्रोल्ड एंड प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर, वो मशीन्स जो कौन कंट्रोल करता है, हमारा कंप्यूटर कंट्रोल करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज मशीन्स कहते हैं। तो आज आपका ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आई होप कि मैं आपको जितने भी वीडियो सेंड करती हूँ आप लोग उसे प्रॉपर तरीके से देखते होंगे, समझते होंगे, और आज मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, आप उसे अपने कॉपी और बुक में कर लेना। ओके, थैंक यू।